हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते कि आप लोग खैरियत से हैं और हम भी खैरियत से हैं। सिबल, नूडल्स है, आप लोगों को नहीं पता ना ये नूडल्स है, तो ये नूडल्स हैं। उम्मीद करते कि आप लोग खैरियत से होंगे और हम भी खैरियत से, खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटते रहें, खुशियाँ समेटते रहें। तो आज से बहुत ज़्यादा काम के, जैसे कि पता है कि हम लोग की ईद आने वाली है बहुत जल्द, 17 तारीख को हम लोग की ईद है। तो शॉपिंग के साथ साथ घर की तैयारियां भी हो रही हैं, फिर मम्मा भी हॉस्पिटल में है, सारे कामों को मैनेज करना पड़ता है ज़रा ज़रा सा। तो शॉपिंग तो अभी फ़िलहाल हम लोगों ने नहीं की है क्योंकि मम्मा हॉस्पिटल में, इनके बाबा हॉस्पिटल में होते हैं तो हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। तो देखते हैं शॉपिंग करनी भी है कि नहीं करनी। तो आज मैंने थोड़ी सी कर ली थी अपने घर की सफाई, क्योंकि घर को साफ़ सुथरा रखना ज़रूरी है, शॉपिंग से ज़्यादा सफाई ज़रूरी है। तो आज की है मैंने सफाई, जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो आपने मेरे साथ ही बने रहना है। तो चले वॉच करते हैं कि मैंने आज क्या क्या सफाई की है, आप मेरे साथ देखें और लाइक करें। तो ये देख सकते हैं जो बनाई थी शॉलमियत ने बोतल डेकोरेशन पीस, वो मुझे लगा कि मैं रख लेती हूँ फ्रिज के ऊपर। तो मैंने सारी सफाई करके तो मैंने इसको कुछ इस तरीके से रख दिया था और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है। और पीछे कैंडल स्टैंड है क्योंकि अक्सर लाइट चले जाते हैं तो फिर हम कैंडल ऑन करते हैं। और ये फ्रिज भी मैंने पूरी साफ़ कर ली थी और ये है मेरी फ्रिज, देख सकते हैं ये फ्रिज भी साफ़ कर ली थी और फ्रिज के अंदर से शेडो दिखाई दे रहा है। और ये कमरा है, कमरे का भी मैंने साफ़ कर लिया था, कमरे के कवर वगैरह चेंज किए थे। तो मामा ने आना है तो हमने कहा कि चले पहले से ही कमरा साफ़ कर लेते हैं। और ये देख सकते हैं अच्छे से मैंने सफाई की थी। तो कुछ दिन ऐसे होते हैं कि हम लोग बहुत बिज़ी हो जाते हैं, काम करते रहते हैं, हमें टाइम ही नहीं मिलता कि हमने क्या करना है। लेकिन काम करते रहना चाहिए, काम करने से ही इंसान का दिल भी लगा रहता है और बोरियत भी नहीं होती है। मैं तो जब भी बोर होती हूँ तो मैं तो अपने आप को बिज़ी कर लेती हूँ काम में, अच्छे से काम हो जाता है। और ये सिबल लेके आई थी, मैगी लाई नहीं थी, अपने बाबा के साथ गई थी तो बाबा ने इनको दिलाए थे मैगी, तो स्कूल से भी आई थी तब भी इन्होंने खाए थे, तो आज फिर अभी ले आई थी। तो ये बना रही है शॉलमियत सिबल के लिए मैगी नूडल्स। तो जिस जिस से खाने हैं वो आ जाए, लेकिन सिबल आप लोगों को नहीं देगी क्योंकि वो अपनी चीज़ किसी को भी नहीं देती है, मतलब कि शेयर नहीं करती है, वो खुद ही खाती है। लेकिन दोपहर को थे, उसने दिए थे शॉलमियत को भी और अपने भाई के लिए भी रखे थे, अब पता नहीं दिए थे या नहीं दिए थे, मुझे नहीं पता। तो खैर ये बना रही है शॉलमियत और ये डाल रही है इसके ऊपर मैगी मसाला और चमचे से इसको हिलाते जाएं जी, तो वो हिलाती जा रही हैं। और ये देख लें, ये भी लोग भी शॉलमियत नहीं बनाया था, मैं थोड़ा काम कर रही थी और ये डल चुकी हैं अभी सिबल की प्लेट में। और ये पिंक प्लेट सिबल की है, सिबल इसके अलावा किसी चीज़ में खाना नहीं खाती है। तो और ये देखें, ये दो मेहमान आए हैं मेरे घर पर, इनको गौर से देख लो, ये दो मछलियाँ हैं। और ये लेकर आया था मेरा बेटा सलाद शमरेज, और देखो कैसी आवाज़ सुन के चल रही है, दर दर चल नहीं रही है क्या, भाग रही है तैर रही है, ठीक है शॉल में इतने ठीक है मामा, तैर रही है, हाँ मैं कहती चल रही है भाग रही है, ये तैर रही है। तो ये लेकर आया था जी मेरा बेटा, कह रहा कि मम्मा ये इनको संभाल के रखो। तो ये अब इनको भी मुझे संभालना है, अब इनको कैसे संभालना है वो तो देखना पड़ेगा, जाहिर सी बात है इनको दाना डालना पड़ेगा, इनके पानी का ख्याल रखना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा यही सब। तो आपको अच्छा लगा होगा आज की वीडियो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, लाइक करके शेयर कर दें, शेयर करके सब्सक्राइब कर दें। तो आपको ये मैं दिखाती हूँ, ये है मछलियाँ जैसे कि मैंने आपको दिखाई है, ये मेरा बेटा लेकर आया है, पता नहीं कहाँ से लेकर आया है। मम्मा इसको संभाल के रखना है, पहले मैं इनको संभाल के रखती हूँ, अब मछलियों को भी संभाल के रखना है, मतलब कि जिम्मेदारी बढ़ चुकी है इनकी जिम्मेदारी, तीन बेटियों की, एक बेटे की, मम्मा की, इनके बाबा की, और अब ये दो मछलियाँ, ठीक है 7, 8, 9 मेंबर हो गए हमारे। और ये मैडम ट्यूशन से आई है, इसका कल लास्ट पेपर है, मैथ का पेपर है, आते पहले अपने नूडल्स बनवाए हैं शॉलमियत से और अभी भी फ़ोन पे ये देखें ये पढ़ा जा रहा है। और एक बात आपसे शेयर करनी थी, बिस्किट्स, तीन बिस्किट्स जो कि आप लोगों ने, कुछ लोगों ने बिल्कुल 100% राइट, बिल्कुल गैस लगाया था, मतलब कि तीन लोगों ने गैस किया था, रिंकी विलोक जो कि मेरी बेस्ट 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 फ्रेंड, बेस्ट सिस्टर और मेरी बेस्ट बेस्ट हर बात का सही जवाब देती है, रिंकी सिस्टर है, रिंकी विलोक चैनल उनका नाम है।
उसने बिल्कुल ठीक कहा था, या तो जनेडा या तो शोलमेत है। शोलमेत तो ऐसा करती नहीं है, ये जनेडा ही थी जिसने मुझे जस्ट 3 बिस्किट दिए थे चाय के साथ, कहती है आपको लाडली नहीं है। ठीक है भाई, हम तो अपने माँ बाप के घर में तो बहुत ही ज़्यादा लाडले होते हैं, जैसे कहते हैं ना थैली पर छाला, हम वैसे होते हैं। लेकिन फिर जब ससुराल में आते हैं तो फिर वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि फिर माँ बन जाते हैं, फिर बच्चों की नज़र में ऐसे ही होता है कि हम लाडले नहीं है। और दूसरा, एबी एक्टिविटी ने बिल्कुल ठीक कहा था कि जनेडा के अलावा ऐसा कोई नहीं कर सकता, वो ही भूखी है। उसने ये लिखा था कि वो बहुत भूखी है। ठीक है, उसी ने सिंपल असली है, उसने 3 बिस्किट दिए होंगे, तो बिल्कुल ठीक है अभी, आपने भी ठीक कहा। और तीसरा है नीलम साहब, वो तो अच्छे से हमारी फैमिली को जानती है, हमारी फैमिली के चप्पे चप्पे को वो जानती है, कौन क्या करता है कौन क्या नहीं। और नीलम साहब ने बिल्कुल ठीक कहा था कि वो जनेडा ही है। तो थैंक यू सो मच जो आप लोग मेरी बातों का, मेरी घर की बातों को अच्छे से नोटिस करती हैं, और फिर जब मैं पूछती हूँ तो आप लोग बिल्कुल ठीक ठीक जवाब देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल ऐसे लगता है कि आप लोग मेरे फैमिली मेंबर की तरह हैं, और नहीं छेड़ो मछलियों को। और ये आज 2 मेहमान आए जैसे कि मैंने आपको दिखाया है, अब इनकी भी देखभाल करनी है, और मेरे बेटे इस्लास ने तो इनका बहुत ही ख्याल रखना है, और मेरी कमबख्ती आनी है जब इनको कुछ हो जाना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक करके शेयर करके सब्सक्राइब करें। और बहुत बहुत थैंक यू, आप लोगों ने मेरी कल की वीडियो को बहुत पसंद किया, मेरी दही भले की रेसिपी को, तो आप लोगों ने लाजमी बनाने, बहुत इजी और बहुत सादा तरीके से मैंने बनाए थे। अब मैं किसी ने आपके साथ बनाऊंगी पानी पूरी और फ्रूट चाट की रेसिपी, तो आप लोगों ने वेट मत करना, मैं कल ही बना लूँगी। तो मज़ेदार सी, यमी सी, और मुझे इसी तरीके से प्यार देते रहें। जो मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को कर दें लाइक, और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो इससे पहले कि जनेडा और कुछ करे, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, बाय, गुड नाइट।